जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सपिशाहूनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। देवसास गुरु की आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी रचित यह महान ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जी जिस पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हम पहले अधिकार में ग्रंथ की प्रामाणिकता जानने के बाद कौन से शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य हैं और फिर उन शास्त्रों के वक्ता कैसे होने चाहिए, उन शास्त्रों के श्रोता कैसे होने चाहिए, उस पर विचार कर रहे हैं। तो कल हमने ये देखा था कि श्रोता का स्वरूप कैसा है, कि वास्तव में जो श्रोता है वो कैसा होना चाहिए। तो उसमें हमने देखा था कि जिसको इस संसार से थकान लगी हो वास्तव में, कि इस संसार में मैं दुखी हो रहा हूं, जिसको दुख भाषित हुआ हो, जिसको दुख दूर करने का उपाय जानने की ललक जागी हो, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, ये जो मैं भाव कह रहा हूं का क्या फल लगेगा, इत्यादि बातों को जो मैं दुखी हो रहा हूं इसको दूर करने का क्या उपाय है, ये जो बात है इनका निर्णय करके और दुख को दूर करने के लिए जो उद्यम बंध हुआ है वास्तव में वही श्रोता है। क्योंकि कल बताया था कि कार्य की पहचान पहले की जाती है, कि कार्य का निर्णय किया हमने कि हमें ये कार्य करना है तो ही हम उसके कारण को जान के उसके थ्रू कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसने पहले इसका निर्णय किया हो कि मुझे करना क्या है, कि वास्तव में मुझे मैं दुखी हो रहा हूं तो दुख दूर करने का उपाय क्या है उसको मुझे अपनाना है, और जिस कारण से मैं दुखी हो रहा हूं उस कारण को मुझे दूर करना है, इस ऐसे उसने कार्य का जब निर्णय किया कि मुझे ये करना है तो ऐसे कार्य की सिद्धि कैसे होती है, फिर उन कारणों पे जाके उस कारण को प्राप्त करके उस कार्य की सिद्धि करना। तो वैसा ही पंडित जी ने कहा कि ऐसे कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, इसीलिए वह शास्त्र सुनता है, और सुनने में केवल सुनना नहीं लेना, जैसा कि पंडित जी ने लिखा था कि नाना शास्त्र सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हुई है। तो केवल सुनने से बुद्धि निर्मल नहीं हुई, जो सुना उसका चिंतन किया, उस पे विचार किया, और फिर जो शंका हुई उसको पूछा, फिर जो समाधान मिला, फिर उस पे चिंतन किया, ऐसे बारंबार विचार करने पे जब निर्णय पर पहुंचा जाए तभी बुद्धि निर्मल होती है। तो ऐसा कल श्रोता के स्वरूप का पंडित जी ने बताया था। उसके बाद पंडित जी और बता रहे हैं कि और श्रोता कैसे होने चाहिए। पंडित जी ने पिछले लक्षण भी बताए थे कि जैसे अवधि मन पर यहाँ से संयुक्त हो उसे महान श्रोता जानना, जो गणधर आदि हैं,
जिनको आत्मज्ञान हुआ हो वे विशेष शोभापन उनको विशेष शोभा देता है श्रोतापना। जिनको बहुत जैन शास्त्रों का ज्ञान है, व्याकरण न्याय आदि का ज्ञान है, उनको भी श्रोतापना विशेष शोभा देता है। ऐसे विशेष विशेष लक्षण भी बताए थे और ऊपर सामान्य लक्षण भी बताए थे। उसके बाद देखो पंडित, ये दूसरा पैराग्राफ है इस पेज पे, पंडित जी क्या कह रहे हैं, पुनच्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा। ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यवंद होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि किसी ने इस बुद्धि से कि शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, शास्त्र में हमारे हित की बात कही है तो हम शास्त्र सुनेंगे तो कुछ तो हमारा भला होगा ही, ऐसा सुन के ऐसा सोच के ऐसा विचार के वह शास्त्र सुनने के लिए उद्यम बंद हुआ है। जो सुनने के लिए उद्यम बंद हुआ है कि उसने मतलब यही जाना है कि शास्त्र सुनने से हमारा भला होता है। ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनने के लिए उद्यम बंद हुआ है परंतु उसका क्षयोत्सव इतना नहीं है, ज्ञान की उसकी मंदता है, जो ज्ञान का प्रगटपना है वो उसके इतना नहीं है कि वो उसके अर्थ को विशेष समझ सके, लेकिन वह सांस सुनने से हमारा भला होता है, इतना उसको श्रद्धान है कि हमारा भला उस शास्त्रों को सुनने से नहीं होता है, हमारा भला सच्चे जो शास्त्र हैं, जो शास्त्र सुनने योग्य पढ़ने योग्य हैं उन्हीं शास्त्रों को सुनने से हमारा भला होता है, इतना उसका श्रद्धान है। लेकिन उसके ज्ञान का क्षयोत्सव ज्यादा नहीं है, ज्ञान का उघाड़पना उसके ज्यादा नहीं है, ज्ञान की मंदता है तो विशेष नहीं समझ पा रहा है, लेकिन फिर भी वह शास्त्र सुनने के लिए उद्यम बंद हुआ है तो उसको पुण्यबंद होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। देखो पंडित जी ये लाइन कह रहे हैं कि विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता, इसका मतलब क्या कि केवल शास्त्र सुनने से हमारा भला नहीं होने वाला, क्योंकि पुण्य बंद होता है तो बंद ही होता है, पुण्य भी क्या है बंद ही है, पुण्य बंद होता है तो पुण्य भी संसार का कारण है, इसीलिए हमारा भला ज्यादा नहीं होने वाला। लेकिन किसी के ज्ञान की मंदता है, वो नहीं समझ पा रहा है तो उसको पुण्य का बंद होता है, उसको संयोग आदि अच्छे मिलते हैं, तो जैसा कि बीमारी बहुत ज्यादा हो और वो बीमारी कम हो जाए तो ज्यादा की अपेक्षा वो अच्छी है, उस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ उसका भला हुआ। किसी को फीवर 105 था और वो 100 पे आ गया तो हम कहेंगे हाँ उसका कुछ भला हुआ, कुछ तो उसकी तबीयत में सुधार हुआ। तो वैसा हम कह सकते हैं कि हाँ जिसके ज्ञान की मंदता है, जो विशेष नहीं समझ पा रहा है, उसको पुण्य का बंद होता है, भला उसका भी हुआ, लेकिन वह भला सच्चा भला नहीं है, जो सच्चा होना चाहिए उससे हित होना चाहिए, जो अपना वो हित उससे नहीं किया उसने, इसलिए केवल शास्त्र सुनने से विशेष कार्य की सिद्धि नहीं होती। जो वास्तव में अपना हित है, जिस हित को हम करना चाहते हैं, जिस पद को हम पाना चाहते हैं, निज पद में हम रमना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल शास्त्र सुनने से काम नहीं होगा, उसके लिए उस पर बार बार विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसी का गोलन करना पड़ेगा। जैसे कल बताया था कि जैसे गाय एक बार ले लिया खाना उसके बाद जुगाली करती रहती है पूरे दिन, तो वैसा ही शास्त्र सुन लिया उसके बाद उसी पे चिंतन करता रहे, चलता रहे, उसी का रटन चलता रहे, उसी पर विचार चले कि ये ऐसा है कि ऐसा है, स्वरूप मेरा कैसा है, मैं कौन हूँ, इत्यादि बातों का चिंतन होता रहे, तभी विशेष कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए पंडित जी ने कहा कि जो ऐसी बुद्धि से शास्त्र सुनते हैं कि शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा परंतु ज्ञान की ममता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंद होता है लेकिन विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्यबंद होता है कदाचित पापबंद होता है। देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि कोई कुल प्रवृत्ति से कि मैं जैन हूं, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए मुझे शास्त्र सुनने हैं, इस प्रवृत्ति से यदि वो शास्त्र सुनता है, देखो इसके बारे में पंडित जी आगे साथ में अधिकार में बताएंगे कि कुल प्रवृत्ति से व्यवहार आभासी,
तो इन सब चीजों का विशेष वर्णन वहां पे करेंगे पंडित जी। अभी तो देखो कि कुल प्रवृत्ति से जो शास्त्र सुनता है कि मैं जैन कुल में जन्म लिया है इसीलिए मैं शास्त्र सुनू, मीन्स उसने जाना नहीं है कि शास्त्र वास्तव में किसको कहते हैं, शास्त्र का स्वरूप क्या है, वो उसने कुछ नहीं जाना। वो बस जैन कुल में उसने जन्म लिया है इसीलिए वो शास्त्र सुन रहा है। उसका बस इतना है कि इसीलिए मैं शास्त्र सुन रहा हूँ, बस सुन रहा है, कुछ अवधारण नहीं कर रहा, कुछ अवधारण करना भी नहीं चाहता। वो कुल प्रवृत्ति से सुनने के लिए है कि हाँ मैंने जैन कुल में जन्म लिया है तो मुझे शास्त्र सुनना। अथवा पद्धति बुद्धि से, कि ऐसी पद्धति है हमारे परिवार में, ऐसी पद्धति है कि डेली स्वाध्याय होता है तो मैं भी शास्त्र सुनूं, ऐसी पद्धति बुद्धि से। अथवा सहज योग बनने से कि मंदिर गया, प्रवचन हो रहा है तो वहां शास्त्र सुनने के लिए बैठ गया, सहज योग बन गया, तो सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं। अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, कि शास्त्र सुना लेकिन कुछ भी अवधारण नहीं किया, शास्त्र में क्या बताया, जैन भगवान ने क्या हमको बताया, क्या स्वरूप बताया मेरा, क्या तत्वों का स्वरूप बताया, क्या करने योग्य बताया, क्या करने योग्य नहीं बताया, इत्यादि बातें उसने सुन ली लेकिन उसका उधर अवधारण नहीं किया। उसने ये बातें सुन ली कि करने योग्य क्या है और करने योग्य क्या नहीं है, उसके बाद भी उसने ये अवधारण नहीं किया कि मुझे ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। उसने बस सुन लिया लेकिन कुछ भी विचार नहीं किया, कुछ भी अवधारण नहीं किया। ऐसे मानो जैसे एक एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया हो, कि कुछ भी अवधारण नहीं किया, बस सुना शास्त्र उसने। तो ऐसे जीवों का क्या होगा कि उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्यबंध होता है, कदाचित पापबंध होता है। कि तो उनके परिणाम अनुसार, कि जैसे उसके परिणाम होंगे, जिस समय वो शास्त्र सुन रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, वहां पर वो प्रेजेंट है, सुन रहा है, उस समय उसके परिणाम कैसे चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको कभी पुण्यबंध होता है, कभी पापबंध होता है, क्योंकि परिणामों का परिणाम तो प्रति समय होता है। अब उसके परिणाम कितने कहाँ टिकते हैं, जिस समय उसके परिणाम शास्त्र को सुनने के लिए और उस तरफ लगे हुए हैं, तो उसकी कैसा है मंद रूप है, तो उसको पुण्यबंध हो रहा है, और बीच में ही उसको घर आदि की याद आ गई, कोई शत्रु की याद आ गई, कोई मित्र की याद आ गई, तीव्र राग रूप परिणाम हो गए या तीव्र क्रोध रूप परिणाम हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग उसके पापबंध भी होता है, क्योंकि वो कोई अवधारण तो नहीं कर रहा है, बस शास्त्र सुन रहा है कुल प्रवृत्ति से, पद्धति बुद्धि से, सहज योग बनने से। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव के परिणाम अनुसार कदाचित पुण्यबंध होता है, कदाचित पापबंध होता है। देखो पंडित जी है ना, एक एक दृष्टिकोण को लेते हुए श्रोता के स्वरूप को पूरा बता रहे हैं कि श्रोता कैसे कैसे हो सकते हैं। जो स्वाध्याय में बैठे हैं, शास्त्र सुनने के लिए बैठे हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, कि जीव के कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, उससे हर पॉइंट ऑफ व्यू पे विचार करते हुए वो लिख रहे हैं श्रोता के स्वरूप को, कि जो कुल प्रवृत्ति से भी सुने तो उसके साथ भी क्या होगा, उसका ही परिणाम कैसा होगा, वो भी पंडित जी बता रहे हैं। तो उसके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्यबंध होता है, कदाचित पापबंध होता है। तथा जो मध्य मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो मेहनतता के हेतु अथवा किसी लोभादिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। देखो पंडित जी कितना क्लियर लिखा है, जो मद मत्सर भाव से, मद मत्सर मतलब मद माने अभिमान और मत्सर माने उससे भरा हुआ, मीन्स अभिमान से भरा हुआ, बहुत ज्यादा मान कसाय को लिया हुआ, मान कसाय के भाव से शास्त्र सुनता है, अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, कि जो वक्ता है उसको मुझे नीचा दिखाना है, मुझे तर्क करना है, उल्टा सीधा बोलना है, तो ऐसा इसका अभिप्राय है। इसकी वीडियो कॉल ऑन है ये महेश जी, अपनी वीडियो कॉल ऑफ कर लो। तो
तो जो मदमत्सर भाव से कि मान कषाय से पुष्ट होकर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि जब जिस समय मान कषाय तीव्र होती है उस समय व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। यही पंडित जी अभी दूसरे अधिकार में बताएंगे कि इसके क्रोध कषाय का उदय होता है तो कैसी प्रवृत्ति होती है, मान कषाय का होता है तो कैसी प्रवृत्ति होती है, सारी कषायों का बताएंगे जब अभी आगे, तो उसका वर्णन आएगा विशेष। तो जिसके मान कषाय तीव्रता लिए हुए हो वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, तो शास्त्र इसी भाव से सुनता है कि मैं शास्त्र सुन के तर्क करूं और जो वक्ता है उसको नीचा दिखाऊं, या तो दूसरे को नीचा दिखाने के भाव बनते हैं मान कषाय तीव्र होने पर, या अपने को ऊंचा दिखाने के भाव बनते हैं। तो इसी भाव से शास्त्र सुने कि या तो मैं तर्क करके वक्ता को नीचे दिखाऊं, या फिर कुछ पूछ के मैं अन्य श्रोताओं के बीच में अपने को ऊंचा दिखाऊं, अपने को अच्छा दिखाऊं, उसके दोनों भाव हो सकते हैं, या तो वक्ता को नीचा दिखाने के भाव, या फिर बाकी श्रोताओं के बीच में अपने आप को ऊंचा दिखाने के भाव। तो जो ऐसे अभिप्राय से शास्त्र सुनता है अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो मेहनतता के हेतु, देखो पंडित जी ने कह दिया ना, जो मेहनतता के हेतु मीन्स अपने को महान मनवाने के हेतु कि सब मुझे महान समझे, मैं ऐसे तर्क करूं, ऐसे क्वेश्चन उठाऊं, मैं ऐसे करूं तो मुझे सब महान समझे, इस तरह से अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं कि मैं स्वाध्याय में आऊंगा तो मुझे इस चीज की प्राप्ति हो सकती है। एक तो वो स्वाध्याय से कि जिनवाणी को सुनने से मुझे पुण्यबंद होगा, स्वर्ग आदि पद मिलेंगे, ये मिलेगा, धन आदि का संयोग मिलेगा, ऐसा लोभ आदि का प्रयोजन हो सकता है, या उसका और कोई भी लोभ आदि प्रयोजन हो सकता है लौकिक का, कि लोग मुझे अच्छा समझेंगे तो लोग मेरे से अच्छा बिहेवियर करेंगे, ये करेंगे, ऐसे काफी तरह के लौकिक प्रयोजन हो सकते हैं उसके। तो ऐसे लोभाधिक प्रयोजन के हेतु शास्त्र सुनता हो इतना, और जो शास्त्र सुनता हो और उसको सुहाता ही नहीं हो, क्योंकि वो ऐसे यदि ऐसे भावों से शास्त्र जो सुनेगा उसको शास्त्र सुहाता तो नहीं होगा, क्योंकि जो कषाय भाव से मलिन है, जो कषाय भाव से युक्त होके वहां बैठा है, तो वो भीतरता की बातें उसको कैसे सुहाएंगी। तो जो ऐसे मान कषाय के तीव्र होके, लोभ कषाय की तीव्रता से, क्रोध कषाय की तीव्रता से, माया कषाय की तीव्रता से, क्योंकि इसमें माया कषाय भी हो गई कि लोभाधिक प्रयोजन है उसको, लेकिन वो उसको शो नहीं कर रहा है और शास्त्र सुन रहा है, तो दिखा तो रहा है वो कि मैं शास्त्र सुन रहा हूँ और उसके मान आदि लोभ आदि चल रहे हैं, तो वह माया कषाय भी हो गई। तो ऐसी इसकी चारों कषाय की तीव्रता चल रही हो तो उसके भीतरता की बातें उसको कैसे सुनाएंगे। तो ऐसे जीवों को जो शास्त्र सुनते तो हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को तो केवल पाप बंद ही होता है। देखो विचार करो कि हम शास्त्र सुनते हैं तो किस अभिप्राय से सुनते हैं, हमारे परिणाम उस समय कैसे होते हैं, इन चीजों पर हमें चिंतन करना चाहिए। तो ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। देखो ऊपर इस पैराग्राफ में सबसे पहले बताया कि पुण्य बंद किनको होता है, देखो विशेष कार्य की सिद्धि वो ऊपर बता दी कि विशेष कार्य की सिद्धि कैसे होती है, कैसे श्रोताओं को होती है, फिर उसके बाद बताया कि विशेष कार्य की सिद्धि नहीं हो लेकिन पुण्यबंध किनको होता है, फिर ये बताने के बाद बताया कि किसी को पुण्यबंध कभी और कभी पापबंद ऐसा। हाँ महेश जी बोलिए। महेश जी कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ। तो ये रेज हैंड क्यों किया आपने? ये रेज हैंड को हटा लीजिए, रेज हैंड क्वेश्चन पूछो तो ही रेज हैंड पे क्लिक करना, ये रेज हैंड को आप बंद कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या बताया, विशेष कार्य की सिद्धि कैसे श्रोताओं को होती है, उसके बाद बताया कि विशेष कार्य की सिद्धि नहीं होती लेकिन पुण्यबंध किनको होता है, फिर उसके बाद बताया कि किसी को कभी पुण्यबंध कभी पापबंद कैसे श्रोताओं को होता है, और उसके बाद बताया कि केवल पापबंद ही कैसे श्रोताओं को होता है। तो सारे जीव जितने भी जीव शास्त्र सुन रहे हैं तो किस किस परिणाम से सुन रहे हैं, सबकी कंडीशन पंडित जी ने सामने लाके रख दी कि कैसे परिणाम के अनुसार कि जीव को कैसा परिणमन होगा, कैसा बंध होगा, कैसे कार्य की सिद्धि होगी, इत्यादि सभी पूरा विवरण खोल के रख दिया एक पैराग्राफ में।
तो ऐसा श्रोताओं का स्वरूप जानना। इसी प्रकार देखो यहाँ तक पंडित जी ने शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य बताया, फिर वक्ता का स्वरूप बताया, फिर श्रोता का स्वरूप बताया। इसी प्रकार यथासंभव सीखना कि जो सीखने वाला है उसका स्वरूप भी कैसा होना चाहिए, सिखाना जो सिखाने वाला है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप ऐसा ही जानना जैसा बताया है, श्रोता का स्वरूप वक्ता का स्वरूप ऐसा ही सीखना सिखाना इत्यादि कार्य जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप ऐसा जानना। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा, सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर पढ़ना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। कि कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ना तो शास्त्र में गड़बड़ होनी चाहिए, ना वक्ता में ना श्रोता में, कि जो शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है वही शास्त्र पढ़ना सुनना चाहिए, और जैसा वक्ता का स्वरूप होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, और जैसा श्रोता होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, उचित श्रोता होकर उसी के अकॉर्डिंग अपने परिणामों को रख के शास्त्र सुनना योग्य है। कि उचित शास्त्र को, और किसी शास्त्र को नहीं, जो उचित है उसी शास्त्र को वक्ता होकर पढ़ना। कैसे वक्ता होकर पढ़ना? उचित वक्ता होकर, कि जैसा वक्ता होना चाहिए वैसे ही वक्ता होकर पढ़ना, और उचित श्रोता होकर, और जैसे श्रोता होने चाहिए जैसा श्रोता का स्वरूप बता के आए हैं वैसे ही श्रोता होकर सुनना योग्य है। इस प्रकार पंडित जी ने यहाँ ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई, ग्रंथ कौन से पढ़ने सुनने योग्य हैं वो बताया, वक्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो बताया, और उसके बाद कैसा श्रोता होना चाहिए वो बताया। उसके बाद पंडित जी आगे बता रहे हैं कि मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता क्या है, कि ये जो ग्रंथ मैं रच रहा हूँ, जो मैंने ये मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ को रचने का संकल्प लिया है या रचने के लिए मैं उद्यम बंद हुआ हूँ, उसकी सार्थकता क्या है। भाई ग्रंथ रखने की मेरी इच्छा हुई सही है कि धर्मानुराग बस, जो मुझसे भी मंद बुद्धि जीव है, जो पंडित जी ने अपनी बात में बताया कि मैं तो मंद बुद्धि हूँ लेकिन मुझसे भी मंद बुद्धि जो जीव है वो भी ऐसे अर्थों को जाने, ऐसे धर्मानुराग बस मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं। तो ग्रंथ को रचने का तो उन्होंने संकल्प किया, लेकिन जो वो ग्रंथ लिख रहे हैं उस ग्रंथ की वास्तव में सार्थकता क्या है वो भी हमको पता होनी चाहिए ना, कि ग्रंथ की इसकी सार्थकता वास्तव में है क्या, इस ग्रंथ को पढ़ने से हमको क्या मिलने वाला है, इस ग्रंथ में किसका वर्णन आने वाला है, वो सारी बातें पंडित जी यहाँ बता रहे हैं, बताएंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ना सार्थक कैसे है, ओवरऑल कि इस ग्रंथ को पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, इस ग्रंथ में किस किस चीज का वर्णन आएगा जो जो हमारा दुख का कारण है, और जिस कारण को हम दूर करना चाहते हैं उस कारण का इसमें वर्णन आएगा, और उस वर्णन को यदि हम जान के उस कारण को दूर करेंगे तो हमारा दुख दूर होगा। इस तरह से पंडित जी पूरी सार्थकता इसकी बताएंगे। इस पे हम कल चर्चा करते हैं ग्रंथ की सार्थकता पे, क्योंकि फिर अभी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा वो भी, तो इस पे हम कल चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर विषय आने वाला है ये कि ग्रंथ की वास्तव में सार्थकता क्या है, मीन जो हमने अभी तक पढ़ा है पहले अधिकार में वास्तव में वो तो भूमिका हो गई और अभी भी भूमिका ही चल रही है, लेकिन इस ग्रंथ की सार्थकता क्या है इसको जानने से हमें इस ग्रंथ का बहुमान भी आएगा, पंडित टोडरमल जी का बहुमान भी आएगा, और इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए हमारा पुरुषार्थ और तीव्र होगा। कि वास्तव में जब इसकी सार्थकता दिखाएंगे तो सार्थकता हम कल देखेंगे। अभी किसी को यहाँ तक कोई शंका हो तो पूछना है। भैया जी जब शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ, तो अध्याय जब करते हैं तो मन क्यों नहीं लगता है? मन क्यों नहीं लगता है? हाँ मन क्यों लगता है, और है ना समझ में नहीं आता कभी कभी, मतलब भय होता है मुझे कभी कभी। अच्छा देखो समझने नहीं आ रहा है इसलिए मन, देखो हम है ना लौकिक में पढ़ाई करते हैं जब, तो हाँ। हमारा मन लगता है कि नहीं लगता लौकिक में पढ़ाई में? अच्छा हाँ बोलिए भैया जी। लगता है कि नहीं लगता?
होता है। हाँ भैया जी, आप जब लौकिक स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है लौकिक की पढ़ाई, तो उसका मन लगता है कि नहीं लगता है उसमें, ये पूछ रहा हूँ। हाँ लगता है भैया जी लौकिक। क्यों लगता है? क्योंकि उसे पता है कि इसके द्वारा मैं एक एक जॉब पाने वाला हूँ, मेरा जीवन अच्छा होने वाला है, ऐसा उसको हाँ, पता है, इसीलिए वो पढ़ रहा है, उसमें पुरुषार्थ कर रहा है पूरा, इसलिए उसका मन लग रहा है। और यहाँ पर जो पंडित जी ने जैसे बताया कि हम कुल प्रवृत्ति से या पद्धति बुद्धि से या शास्त्र पढ़ने से हमारा भला होगा, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमने इससे जो हमारी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है उसको जाना नहीं है, किस ग्रंथ का स्वरूप अच्छा। क्या है वो हमने जाना नहीं है, बस हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके पढ़ने से हमारा भला हो, तो इसलिए हमारा मन इसमें नहीं लगता है। जैसे कोई बच्चा है उसका मन लौकिक पढ़ाई में ना लगे, मीन्स उसने आगे का सोचा नहीं है कुछ भी कि उससे मेरा हित होगा कि अहित होगा, क्या होगा, वो चीज नहीं सोची है, इसीलिए उसका मन नहीं लगता है। और दूसरी बात कि समझने नहीं आ रहा है हमारे यदि, तो इसको समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे लौकिक में कोई कोई बिजनेस करता है और उसको बिजनेस का समझने नहीं आ रहा है, उसको लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा हो, या फिर उसको समझने नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस को बंद कर देता है। अच्छा, उसके समझ में नहीं आ रहा है तो भी वो जो जानकार है उस बिजनेस का, उस जानकार से पूछता है, तो बिजनेस की टेक्निक पूछता है, वो बिजनेस कैसे करना चाहिए, उसकी समझ को अपने में जागृत करता है। तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा हो तो जो जानकार है उनसे समझना, फिर उस पर विचार करना, इत्यादि कार्य करते हुए पूछताछ करते रहना चाहिए। अच्छा, तो और भैया जी आप जो बता रहे थे, आप जो बता रहे थे ना, जो मंद मंद बुद्धि बता रहे थे आप, मंद क्यों होता है? मंद क्यों होता है? हाँ देखो, उसमें एक तो कर्म अपेक्षा से कहें तो एक ज्ञान का स्वभाव इतना नहीं है अभी उसके कि उसके ज्ञान की प्रकृति इतनी हो जाए, उसके ज्ञान का स्वभाव इतना नहीं है, लेकिन हमको और तुमको ज्ञान का स्वभाव इतना मिला है कि हम जिनवाणी को पढ़ के तत्वों का स्वरूप जान के अपना कल्याण कर सकें, इतना तो अभी हमको ज्ञान का स्वभाव है, हमको तुमको सबको इतना भी ज्ञान का स्वभाव है। तो मंद बुद्धि का मतलब यह है कि और जीवों के कंपेयर में जो जिनके ज्ञान का स्वभाव बहुत ज्यादा है उनके कंपेयर में ज्ञान का स्वभाव कम है, लेकिन अच्छा। जितना भी है वो इतना है कि हम अपना कल्याण कर सकें। अच्छा अच्छा ठीक है, समझा भैया। अच्छा बहुत बहुत अच्छा समझाया आपने, जो मन जो नहीं लगता है उसके बारे, इसका विषय बहुत अच्छा समझाया आपने। लौकिक पढ़ाई में जो पाना है तो वहां पर मन लगाना पड़ता है। ठीक है भैया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं भैया जी कुछ नहीं है। ओके, जिनवाणी स्तुति करते हैं फिर। हे जिनवाणी भारती तोए जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान से सुझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हों ढो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हों ढो। पंचपमिष्टि के समान पूर्वक नवा नवकर मंत्र।